लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल ऑफ लॉट फॉर लॉट लॉट साइजिंग रूल इसके अंदर लेट सपोज देर इज कंपनी एक्स वाई जी इन कॉरपोरेटेड और वो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहती है दैट इज ऑर्डरिंग कास्ट प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फॉर लॉट फॉर लॉट ऑर्डरिंग मैथड ये जो लॉट फॉर लॉट का है इसके बेसिस के ऊपर ये दोनों कॉस्ट एवेलुएट करनी है सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमें हम क्या इनकर करेंगे अगेन डेटा इज गिवन इन द नेक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड और इसके मुताबिक ये भी दस वीक्स uh, का डेटा है और इसके अंदर फर्स्ट वीक में थर्टी फाइव यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है सेकेंड में थर्टी थर्ड में फोर्टी फिफ्थ uh, में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सॉरी uh, फोर्थ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिफ्थ में टेन की है सिक्स्थ में फोर्टी है सेवन्थ में थर्टी है एट्थ में फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नाइन्थ में थर्टी एंड टेंथ में फिफ्टी फाइव की रिक्वायरमेंट है और इस केस uh, के अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो हमारी हंड्रेड डॉलर्स है जबकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो वन डॉलर पर यूनिट पर वीक की हमारे पास है और यही हम टेन जो वीक्स की रिक्वायरमेंट है इसको सम करके हम टेन पर डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज डिमांड पर वीक जो है वो ट्वेंटी सेवन यूनिट्स की आ रही है अब इसके बेस के ऊपर हमने देखना है कि हमारे लॉट फॉर लॉट के बेस पर क्या कॉस्ट टोटल कॉस्ट आती है लॉट फॉर लॉट के हम कैलकुलेशन इसका देखें तो इसके अंदर जो हमारा ऑर्डर क्वांटिटी है वो हर वीक में हमने ऑर्डर प्लेस करना लॉट फॉर लॉट है जितनी की भी रिक्वायरमेंट है उतना का हमने ऑर्डर इस केस में प्लेस करना है सो so, अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट वीक के अंदर थर्टी फाइव सेकेंड में थर्टी थर्ड में 40 का ऑर्डर हुआ है फोर्थ में कोई ऑर्डर नहीं है फिफ्थ में अगेन टेन फोर्टी थर्टी का ऑर्डर है फिफ्थ सिक्स सेवन्थ का और एर्थ के अंदर अगेन क्योंकि रिक्वायरमेंट कोई नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं हुआ फिर नाइन्थ और टेंथ के अंदर थर्टी और फिफ्टी फाइव के ऑर्डर्स हुए हैं तो इनको अगर हम टोटल सम कर लें तो ये हमारे बनते हैं टू हंड्रेड एंड सेवेंटी यूनिट्स दो से डिवाइड करें तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी तो उसको हम मल्टीप्लाई करें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर वीक से विच इज़ वन डॉलर तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कैरिंग कॉस्ट की 135 थर्टी फाइव जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने हर वीक में ऑर्डर नहीं प्लेस किया क्योंकि फोर्थ वीक और एट्थ वीक के अंदर रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी तो उस वक्त ऑर्डर हमने कोई प्लेस नहीं किया तो इसलिए देर आर ओनली एट ऑर्डर तो उस बेसिस के ऊपर वन हंड्रेड डॉलर्स पर ऑर्डर कॉस्ट है तो वो एट हंड्रेड डॉलर्स की टोटल कॉस्ट बनती है तो उसको हम सम करें तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट इस केस के अंदर 935 हंड्रेड डॉलर की आ रही है जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं